they are studying here ICT subject, class 5. In this subject, your first chapter name is Info Communication. ये चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है. हम फर्स्ट वीडियो में टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टूल्स ऑफ देखे थे. कौन से टूल कम्युनिकेशन के, जैसे कि मोबाइल फोन, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, कैलकुलेशन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कैश रजिस्टर, जेरोक्स कॉपी, टेलीफोन, फैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग ई कार्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स. हम लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तक देखा. अब इस वीडियो में हम वेरियस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं. द कंप्यूटर इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर अदर सोर्सेस रिलेटेड ऑफ यूज. कंप्यूटर का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके कौन से कौन से सोर्सेस है तो अदर सोर्सेस भी हमें देखना है. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट उसके की पार्ट से प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया. प्रिंट मीडिया में क्या आता है, फिर जैसे कि यहाँ टेबल में आपको दिया गया है, इसके थ्री पार्ट से प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया. नेक्स्ट लीजिए, इसके प्रिंट मीडिया के एग्जांपल एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया के एग्जाम, ऑनलाइन मीडिया के एग्जांपल दिए. तो फर्स्ट हम प्रिंट मीडिया, फर्स्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में फर्स्ट हमारा प्रिंट मीडिया है. प्रिंट मीडिया टिपिकली इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, ब्रोचर्स, प्रेस रिलीज, बुक्स, न्यूज़लेटर्स, जर्नल, पीरियडिकल्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा. प्रिंट मीडिया यानी जो प्रिंट आउट होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, बुक्स, न्यूज़लेटर्स, ठीक है, प्रिंट बनाकर जो हमें इसकी पेपर जो प्रिंट के थ्रू हमें पेपर के थ्रू प्रिंट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे प्रिंट मीडिया का है. नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मीडिया. नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये आपको एडी ब्रॉडकास्ट मीडिया. ब्रॉडकास्ट मीडिया टिपिकली इन कंटेंट फ्रॉम द रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और एडवर्टाइजमेंट. ब्रॉडकास्ट मीडिया हमें ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या क्या इंक्लूडेड, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन इन टीवी, फिल्म एंड एडवर्टाइजमेंट. ब्रॉडकास्ट मीडिया में ये आते हैं. नेक्स्ट है ऑनलाइन मीडिया और उसे इंटरनेट भी कहते हैं. थर्ड वन है ऑनलाइन मीडिया. इंटरनेट इज स्लोली चेंज इन द वे ऑफ वे वी कम्युनिकेट. नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो रिले द इंटरनेट फॉर अदर एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टूल्स. ऑनलाइन मीडिया में इंटरनेट एक कम्युनिकेशन भी के लिए भी किया जाता है या अदर एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए कोई चेंज मैसेज सेंड करना है या इश्यू करना है तो हम इंटरनेट से कर सकते हैं. कोई ऑडियो या वीडियो, कोई इंफॉर्मेशन हमें सर्च भी करनी है तो हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं. ऑनलाइन मीडिया में फर्स्ट पॉइंट है हमारा ईमेल. फर्स्ट पॉइंट है ईमेल. ईमेल
email or electronic mail is medium of exchanging message from the one person to one or more recipients over internet or computer network. Email or electronic mail क्या है medium of exchanging message exchange करने का एक medium है जो one email से हम एक person से दूसरे person को email send कर सकते हैं या एक person से कई 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 persons को email send कर सकते हैं या more recipient यानी issue जो issue करने वाले उसे recipient का है एक person sender send करता है और receiver ऐसे issue कर देता है over internet computer network there are various email services providing such as gmail yahoo mail redmi mail hotmail etc various email के various mail services हैं जैसे कि gmail से हम mail send या issue कर सकते हैं yahoo ये red email and hot email ये क्या है सभी email से सर्च नहीं होता है नेक्स्ट क्या है एसएमएस एंड ईमेल एसएमएस और ईमेल एसएमएस इज अ शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एंड व्हाइल एमएमएस स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग services. You can send SMS, MMS to mobile phone only. SMS या MMS सिर्फ mobile phone से send या issue कर सकते हैं. SMS refer to text message while MMS refer to message that have multimedia content like audio, video, picture etc. SMS यानी जो टेक्स्ट मैसेज होता है हम जो लिख कर भेजते हैं उसे टेक्स्ट मैसेज से शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS से हमें सिर्फ शॉर्ट मैसेज ही टेक्स्ट मैसेज ही सेंड कर सकते और उससे अपन जो MMS है वो क्या है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज है तो उससे हम एडो वीडियो या मल्टीपल फाइल सेंड कर सकते हैं एडो वीडियो या कोई फाइल मल्टीपल फाइल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं या कोई पिक्चर सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट है सोशल मीडिया एप्लीकेशन Social media application is a group of applications allowing people to create, share information, ideas, pictures, audio, video, audio and video. जो social media application क्या है एक group application है उसके ऊपर उस social media app पर हम group उसे group app भी कहा जाता है क्योंकि उसे उसके ऊपर एक से भी ज्यादा friends रहते हैं आपके allowing people create a share information ideas picture audio and video social media पर हम create picture send कर सकते हैं या audio video या कोई ideas share या issue कर सकते हैं social network apps such as Facebook Twitter Instagram YouTube link etc सोशल मीडिया एप्स कौन से फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये क्या है यूट्यूब ये सभी सोशल मीडिया एप हैव मेड इट इजियर टू कीप इन टच विद द फैमिली फ्रेंड एंड कलीग एट वर्क तो सोशल मीडिया एप से हमें क्या होता है हम हमारे फ्रेंड्स से कलीग से या फैमिली मेंबर से हम टच में रह सकते हैं
blog and online person diary is also kind of social media platform where people express their personal opinion, share exchanging information, view on your event. Everything under the sun. हम सोशल मीडिया ऐप से कोई भी हमारे इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया या थॉट्स हम शेयर या इशू कर सकते हैं। मैसेजिंग एप्लीकेशन फेसबुक मैसेजर एमएमएस मैसेजर स्किप व्हाट्सएप वीचैट आर सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन जो हम फेसबुक यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं या एमएमएस मैसेजर स्किप WeChat ये सभी क्या है मैसेजिंग एप्लीकेशन से ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन से नॉट ऑल दीज एप्लीकेशन आर फ्री टू यूज सम ऑफर फ्री वॉइस कॉलिंग सम फ्री मोबाइल SMS आइदर ओवर वाईफाई द यूज स्मार्टफोन डाटा प्लान सभी ऐप क्या है फ्री नहीं है कुछ ऐप फ्री है जैसे कि वॉइस कॉलिंग ऐसे कुछ बातें फ्री होती है पर कुछ जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसे डेटा उसे वो फ्री है क्या नहीं वो इंटरनेट के ऊपर यानी डेटा प्लान के थ्रू हम उसे पे करते हैं जैसे कुछ ऐप फ्री रहते हैं और कुछ ऐप ऑनलाइन रहते हैं तो उसे डेटा प्लान की या इंटरनेट की जरूरत होती है Nowadays we find educational application from nursery land to mathematics and science to language learning on smartphone mobile phone. आज हमें educational app भी available है जैसे कि nursery rhymes के लिए या mathematical या और science mathematical science languages learning के लिए साइंस लर्निंग के लिए या लैंग्वेज लर्निंग के लिए कुछ स्मार्टफोन के ऊपर कुछ ऐप हमें मिल सकते इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी कांट थिंक ऑफ सर्वाइवल विदाउट इट कंट्रोली व्हाट वी ऑफर think ICT is a supply about computer but includes anything that aids you in process of communication. Since this is a way of life, most people can handle the most modern tools of information communication technology effectively. ICT हमारे जीवन का एक अंग बन रहा है जिसके बारे में हम उसके बिना जीवित रहने की सोच भी नहीं सकते जो ICT केवल कंप्यूटर के बारे में नहीं तो कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में टूल्स या कम्युनिकेशन प्रक्रिया में भी हमें सहायता करती है क्योंकि यह जीवन का एक तरीका बन गया है जैसे ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों का प्रभावी तरीके से यूज करते हैं जैसे आज हम ICT का यूज करते हैं हमारे जीवन में जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हुआ है तो आज अब हम एक्सरसाइज देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 9 का देखना है फर्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग द ब्लैंक्स तो फर्स्ट फीलिंग द ब्लैंक्स देखो A point where in any two people's devices, etc., meet or communicate with each other is called dash dash. क्या आता है यहाँ? फर्स्ट में medium of communication. तो फर्स्ट फीलिंग में जैसे आपका
स्पष्ट करके अपॉइंट वेर एनी टू पीपल डिवाइसेस एक्सेट्रा मीन कम्युनिकेशन विद ईच अदर इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। रजिस्टर आर यूज्ड फॉर कैश एंड डैश ट्रांजेक्शन, कैश रजिस्टर का यूज डैश एंड डैश ट्रांजेक्शन किस लिए होता है, रजिस्टरिंग के लिए एंड कैलकुलेटिंग ट्रांजेक्शन के लिए एंड कैलकुलेटिंग। इन्फॉर्मेशन बिसाइड द कंप्यूटर्स आर डैश 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 एंड डैश सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बिसाइड द कंप्यूटर्स आर, कंप्यूटर के अलावा आपको अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से है, फर्स्ट क्या है, छर्मे का प्रिंट मीडियम जो हमने अभी पढ़ा है, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, एंड ऑनलाइन मीडिया। E-card is the greeting card available dash. E-card is the greeting card. जो E-card से वो कैसे अवेलेबल होता है, ऑनलाइन, फर्स्ट वन है ऑनलाइन। नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, नेक्स्ट भी है ट्रू और फॉल्स। बिजनेस कार्ड लेट यू कैप्चर ओनली यूर नेम एंड नंबर, बिजनेस ई बिजनेस का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड आपका सिर्फ नेम और नंबर ही कैप्चर करता है क्या, नहीं, एक क्या हुआ फॉल्स, फर्स्ट क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैव मेड इट इजी टू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड, सोशल मीडिया ऐप से हम फैमिली फ्रेंड या कलीग से जुड़ सकते हैं, तो ये क्या फॉल्स है, तो सेकंड वन ना। नेक्स्ट है ई बुक ओनली हैव अ टेक्स्टुअल कंटेंट ऑफ द प्रिंटेड, ई बुक से सिर्फ टेक्स्टुअल कंटेंट भी प्रिंट करता है, सही है, तो ये कौन, ये क्या हुआ कौन। नेक्स्ट है सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डायरी, आंसर द इन क्वेश्चन में सी में का फर्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डायरी, आंसर हमें
पेज नंबर 6 के ऊपर मिली मैम। इलेक्ट्रॉनिक डायरी इज अ पेज नंबर 6 के ऊपर लास्ट पैरा है, आपको यहाँ का आंसर मिलेगा। फर्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डायरी, एक किसान जो है हमारे पेज नंबर 6 पर लास्ट पैरा। इलेक्ट्रॉनिक डायरी इज अ डायरी केप्ट ऑन अ कंप्यूटर वेयर यू कैन जॉट down your appointment, meeting, create reminder and task. इलेक्ट्रॉनिक डायरी एक डायरी है जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर रखी जाती है, उसका यूज हमें कोई मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मीटिंग या कोई टास्क लिस्ट बनाने के लिए यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन के पेज नंबर 6 के 6 पर ये देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डायरी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट इज अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर कास्टिंग वोट एंड काउंटिंग वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज वोट डालने के लिए और वोट्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर एग्जांपल। अभी हमने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आज पढ़ा है, कौन से है कुछ सोर्सेस, प्रिंट मीडिया सोर्सेस, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड ऑनलाइन मीडिया, इतनी सोर्सेस लिखना है और उसके एग्जाम्पल देना। हमने लिखा है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, जो प्रिंट करके हमें इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पोस्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है ब्रॉडकास्ट मीडिया, एग्जाम्पल क्या है रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन भेजता है उसे ब्रॉडकास्ट मीडिया। नेक्स्ट क्या है ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन मीडिया में ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, सोशल मीडिया एप्स एक्सेट्रा। सोशल मीडिया एप्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये क्या हुए सोशल मीडिया एप। नेक्स्ट क्या है